हिमाचल प्रदेश के वित्तीय बजट 2023-24 से पहले विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का दौर आज से शुरू हो गया है। शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर जिला के विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक कर आगामी वित्त वर्ष को लेकर विधायकों की प्राथमिकताओं को लेकर जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायक प्राथमिकता की बैठक में जो सुझाव देता है उसकी झलक सरकार के बजट में देखने को मिलती है। विधायकों से पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा निर्माण सहित अलग अलग क्षेत्रों के विकास को लेकर सुझाव मांगे गए हैं ताकि सरकार उसके लिए योजना लाकर बजट का प्रावधान कर सके। देखिए, राज्य का बजट पेश करने से पहले सभी विधायक जो है 68 के 68 विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की ढांचागत योजनाएं, सिंचाई योजनाएं या कोई और योजनाएं उससे संबंधित अपनी बात ये प्लानिंग की मीटिंग में रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो प्लानिंग की मीटिंग में रखा जाता है उसका दिशा बजट में दिखाई देती है। तो आज हमारी पहली प्लानिंग की बैठक इस वित्तीय वर्ष में जो अप्रैल में शुरू होने जा रहा है उसकी होने जा रही है। और जो भी विधायकों की अपनी प्रायोरिटीज होती है, एमएलए प्रायोरिटीज होती है, उस पर सरकार आगे कार्य करती है। और मेरा ये भी मानना है कि आने वाले समय में हमने विधायकों को कहा है कि जो पिछले महीने हमारे कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उस योजनाओं में अपनी प्राथमिकता जरूर बताएं। हिमाचल सरकार की पहली फ्लैगशिप योजना पर्यटन से संबंधित है, टूरिज्म से संबंधित है। किस प्रकार का टूरिज्म हो, किस प्रकार जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं वो 2 दिन से ज़्यादा 3 दिन रुकते हैं, तो 3 दिन से ज़्यादा रुकने के लिए क्या योजना होनी चाहिए, आपकी विधानसभा क्षेत्र में कौन सी सड़क नहीं बननी है, कौन सी सिंचाई की योजना नहीं बननी है और कहाँ हमें स्ट्रक्चरल मजबूत करना है, इंस्टीट्यूशंस मजबूत करने हैं, उस दृष्टिकोण से आप बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में नई योजना आए, नए सब्जेक्ट्स आए, जैसे कि अभी हमने टेक्निकल एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, रोबोटिक, इस सब प्रकार के IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस दृष्टिकोण से अगले जो सेशन शुरू होगा उस पर विचार विमर्श करेंगे और विधायकों की प्राथमिकता को नया स्वरूप के रूप में हम बजट में लाएंगे। सर, आज इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला सचिवालय में 1.5 महीने से अधिक चल रहे सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक की कि किस तरह से इस विवाद को सुलझाया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सभी से सुझाव लिए और जल्द विवाद को सुलझा लिए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटरों के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देगी। कि दोनों ट्रक यूनियन आज आई है, दोनों के साथ हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी थे, संजय अवस्थी जी थे और बैठक में सरकार पूरी तरह हिमाचल के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ खड़ी है। हम अपने ट्रक ऑपरेटर्स, हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनका भला चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते कि उनका ट्रक ऑपरेटर का दम घुटाकर हम कोई किराया निर्धारित करें। सम्मानपूर्वक जहां बातचीत होगी हम उसके लिए तैयार है। और ट्रक ऑपरेटर्स को ने अभी शाम को इस मीटिंग के बाद मुझसे दोबारा मिलना है, कुछ राय वो रखी है, कुछ राय हमने रखी है और जल्दी इसका समाधान हम इसका निकाल लेंगे। न्यूज डेस्क, एनवन लाइव।